सर अगले साल दो बड़ी फिल्में देखने को मिलने वाली, पठान और सलमान खान की भाईजान, क्या लगता है कौन सी फिल्म ज्यादा चलेगी? अजी देखिए दोनों ही फिल्में अच्छी होंगी। देखिए दोनों इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े दो सुपरस्टार्स हैं अभी के टाइम पे। आप देखिए शाहरुख खान और सलमान खान की जो फैन फॉलोइंग है, ऐसे किसी भी एक्टर्स की इतनी जबरदस्त तरीके की फैन फॉलोइंग नहीं। और दोनों की देखिए अभी पिछले टाइम से देखिए उनके ऑडियंस ने पसंद नहीं किया उनकी कुछ फिल्मों को। सलमान खान की भी देख लीजिए आप, राधे ऑडियंस ने पसंद नहीं की, रेस 3 बिल्कुल पसंद नहीं की, इस टाइप की फिल्में वो लाए थे। शाहरुख खान की भी फिल्में आप देख लीजिए, उनकी जो लास्ट कुछ रिलीजेज हैं ऑडियंस को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। लेकिन वहीं देखिए आप ये जो दो फिल्में आ रही हैं, किसी का भाई किसी की जान, हालांकि देखिए सलमान भाई रिमेक कर रहे हैं फिर से एक बार, तो ये अलग तरह की लेकिन फैमिली वाली फिल्म होने वाली है। और ऊपर से देखिए इसमें कितने सारे म्यूज़िक कंपोजर हैं भैया, DSP है, रवि बसरूर है, हनी सिंह का भी सॉन्ग होने वाला है, और एक और कोई म्यूजिशियन भैया वो भी म्यूज़िक देंगे। तो काफ़ी सारे अलग अलग लोग म्यूज़िक दे रहे हैं, अलग अलग सॉन्ग सुनने को मिलेंगे। तो एक अलग तरह की प्रॉपर फुल एंटरटेनर फिल्म होने वाली है भाईजान। और वहीं पठान को देखिए, वो तो 25 जनवरी को आ रही है, शाहरुख खान की वापसी है, तो वो तो उसकी भी हाइप अलग ही देखने को मिल रही है। टीज़र अभी कितना ज़बरदस्त रिकॉर्ड बना रहा है। उसके अलावा देखिए भाईजान का भी देखिए, ईद पे आनी है भाईजान, तो वैसे भी अभी पहले पठान से पहले हमें देखने को मिलने वाली थी, पहले तो वो दिसंबर में, लेकिन अभी ईद पे आ रही है और ईद पे तो सलमान भाई का मुकाबला है ही नहीं वैसे भी। तो दोनों फिल्में काफ़ी अच्छी कमाई करेंगी, लेकिन पठान मुझे लगता है कि पहले दिन ज़्यादा कलेक्शन कर लेगी।